हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुशांत सिंह, कैट क्वांट 2022 99.48 परसेंटाइलर। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल सॉल्व कैट 2018 टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। सो इन 2018 देयर वाज टू स्लॉट, स्लॉट वन एंड स्लॉट टू, एंड इन बोथ द स्लॉट देयर वाज सिक्स क्वेश्चन। थ्री क्वेश्चन प्योरली फ्रॉम टाइम एंड वर्क एंड थ्री क्वेश्चन वाज फ्रॉम पाइप एंड सिस्टम। So in this video, we will solve three questions, which is purely from time and work. And in another video, we will solve three questions that is from pipe and system. So let's start with our first question. So this is the first question. And guys, if you are new to this channel, please subscribe my channel and share with your friend so that they can also take benefit from my video. सो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। आफ्टर 7 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर रमेश गॉट सिक एंड हिज इफिशियंसी फेल बाय 30%। फेल बाय 30%, इट मीन्स दैट रमेश इज नाउ वर्किंग टू 0.7% ऑफ हिज एक्चुअल इफिशियंसी। As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days, means 1 day more they took. Okay, so if Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would he have completed the remaining work? Means, question ka sense ye hai ki यहां से जो ये लोग वर्क किए हैं वो अगर गणेश ही अलोन करेगा तो कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट करेगा। सो सिंपल बेसिक लाइन है, क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी नहीं है वर्ड में। सो सॉल्व करते हैं स्टार्ट। सो हमने जो मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट वन वीडियो था उसमें बताया था कि हम दो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक तो एलसीएम मेथड और एक जो होता है इक्वेशन मेथड। अब यहाँ पे इक्वेशन मेथड बहुत हैंडी हो जाता है क्योंकि एलसीएम मेथड में हम लोग एलसीएम से एलसीएम बाय एलसीएम वी विल टेक टाइम टोटल वर्क एज्यूम करते हैं टोटल वर्क, बट यहाँ पे कैसे एज्यूम करूँ ताकि, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग डेज है। सो यहाँ पे ना इक्वेशन अप्रोच बिकम वेरी हैंडी। तो यहाँ पे इक्वेशन अप्रोच से सॉल्व करते हैं। आप ट्राई करना एलसीएम मेथड से, देखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा उस पे। सो इक्वेशन अप्रोच लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का। रमेश प्लस गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। सो 16 इक्वल टू टोटल वर्क। आगे का स्टेटमेंट रीड करते हैं। आफ्टर 7 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर इट मीन्स दैट रमेश प्लस गणेश ये लोग 7 days वर्क कर रहे हैं। देन आफ्टर रमेश का इफिशियंसी फॉल बाय 30%। इट मीन्स दैट रमेश अब 0.7 के इफिशियंसी से काम कर रहा है। यहाँ पे ये 1 के इफिशियंसी से काम कर रहा है। सो यहाँ पे अब उसका इफिशियंसी 30% से फॉल हो गया। सो अब 0.7 के इफिशियंसी से काम करेगा और गणेश एज इट इज सेम इफिशियंसी से काम कर रहा है। नाउ वो लोग 17 डेज ले रहे हैं, मतलब 7 दिन ये और 10 दिन यहाँ पे, टोटल 17 डेज ले रहे हैं ना। टोटल बोल रहे हैं ना कि एज अ रिजल्ट दे कंप्लीट द वर्क इन 17 डेज इंस्टेड ऑफ 16 डेज। इट मींस दैट 7 दिन वो लोग साथ कर रहे हैं विदाउट विदाउट रमेश गॉट सिक, एंड 10 डेज जब रमेश सिक हुआ उसमें ये लोग काम कर रहे हैं। सो ये भी हो गया टोटल वर्क। अब दिस टोटल वर्क एंड दिस टोटल वर्क इज इक्वल। सो हम लोग इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। सो 16 इंटू आर प्लस जी इक्वल टू, राइट डाउन दिस इक्वेशन, आर
जी इंटू सेवन प्लस 0.7 आर प्लस जी इंटू 10। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 16 आर प्लस 16 जी इक्वल टू 7 आर प्लस 7 जी प्लस 0.7 इंटू 10। सो 7 आर प्लस 10 जी। अब 7 आर 7 आर 14 आर, यहाँ पे 16 आर है। सो 14 आर को इधर लेके आएंगे तो बचेगा 2 आर, 10 जी प्लस 7 जी 17 जी, और यहाँ पे 16 जी। सो इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। सो व्हाट विल बी रिमेनिंग, ओनली जी। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया कि जो जी का एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स है आर का। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू एक ले लेंगे। लेट्स आर का एफिशिएंसी ए है, आर का एफिशिएंसी हमने सॉरी 1 अज्यूम कर लिया। यू कैन टेक 2, 3, 4, वट एवर द वैल्यू यू आर कंफर्टेबल इन यू कैन टेक। सो फॉर द इजी कैलकुलेशन आई टेक 1। सो आर का एफिशिएंसी 1, देन व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ जी, 2। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ आर, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ जी। नाउ पुट दिस वैल्यू इन टू द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, और इन सेकेंड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, टोटल वर्क विल दिस सेम, आई मीन इसमें भी सेम वो टोटल वर्क आएगा, इसमें भी सेम टोटल वर्क आएगा। सो फॉर इजी कैलकुलेशन हम लोग इसमें पुट करते हैं। सो 16 इंटू आर प्लस जी इज 2 और 3 इंटू 16। सो टोटल वर्क विल बी 48, 2 प्लस 1 इंटू 16 इक्वल टू टोटल वर्क। सो टोटल वर्क विल बी 48। अब नाउ क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है कि गणेश हैड टू वर्क अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक। इट मीन्स दैट जो 7 डेज काम किया है टुगेदर, उसके बाद का वर्क गणेश कितने दिनों में अकेला कंप्लीट करेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन इन 7 डेज। सो रमेश प्लस गणेश 3 इंटू 7, सो 21 यूनिट, 21 यूनिट विल बी वर्क डन इन 7 डेज। सो रिमेनिंग वर्क विल बी हाउ मच, सो 48 माइनस 21 विल बी 27। नाउ क्वेश्चन, अब हाउ मेनी डेज वुड हैव कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मीन्स 27 यूनिट गणेश कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सो व्हाट विल द एफिशिएंसी ऑफ गणेश, 2। सो डिवाइड बाय 2, सो 13.5 डेज, 13.5 डेज, ऑप्शन सी 13.5 डे। वेरी सिंपल इक्वेशन अप्रोच। अब देखो मैंने इतना लंबा बताया, मतलब ये इक्वेशन सेपरेट लिखा, ये इक्वेशन सेपरेट लिखा, बट इफ यू हैव इनफ प्रैक्टिस ना, देन यू नो नीड टू राइट बोथ द इक्वेशन, जस्ट आप ये लिखो, इक्वेट करके ये लिख दो, इतना। मतलब कहने का सेंस ये है कि ये इक्वेशन इक्वल टू ये इक्वेशन, नो नीड टू राइट बोथ द इक्वेशन सेपरेटली। जो स्टेप ये आया है ना, वो स्टेप ही हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे के क्वेश्चन में मैं ऐसे ही करूंगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। सो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, साथ में रीड करते हैं। ह्यूमंस एंड रोबोट कैन बोथ परफॉर्म अ जॉब बट एट डिफरेंट एफिशिएंसी। 15 वुमेन एंड 5 रोबोट वर्किंग टुगेदर टेक 30 डेज टू फिनिश द जॉब।
Whereas five women and 15 robots working together takes 60 days to finish it. How many days will 15 women working together without any robot, means there is no robot, take to finish it? अब यहाँ पे हम इक्वेशन अप्रोच भी ले सकते हैं और एलसीएम अप्रोच भी ले सकते हैं, दोनों मेथड में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो आई विल टेक इक्वेशन अप्रोच, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन अप्रोच मुझे बहुत हैंडी लगता है, इजी लगता है, कुछ ज्यादा एज्यूम करने की वैल्यू नीड नहीं पड़ती कि इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, जस्ट इक्वेशन राइटर डाउन करो और एक रिलेशन निकालो, वहां से वैल्यू को लेट करो, बस खत्म। तो यहाँ पे हम, ये मेरा पहला इक्वेशन बनेगा यहाँ से यहाँ तक में। और एक चीज टाइम एंड वर्क में होता है ना कि जो क्वेश्चन बोला है ना बस उतना चीजें करते जाओ, टोटल वर्क है तो टोटल वर्क को इक्वेट कर दो, उतना करते जाओ ना, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करो, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे 15 वुमेन प्लस 5 रोबोट 30 डेज। अब देखो यहाँ पे मैं अलग अलग सेपरेट इक्वेशन नहीं लिखूंगा, जो मैं फर्स्ट यहाँ पे ये जो किया था सेपरेट इक्वेशन लिख के, वो चीज मैं नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं इक्वेशन इक्वेट कर दूंगा। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आएगा, 5 वुमेन, 5 वुमेन प्लस 15 रोबोट वर्किंग टुगेदर टेक 60 डेज। तो ये हो गया 60 डेज, कैंसिल आउट करते हैं, तो 15 वुमेन, 15 वुमेन प्लस 5 रोबोट इक्वल टू 5 2 10 वुमेन प्लस 30 रोबोट। सब्सट्रैक्ट करते हैं, 15 वुमेन 10 वुमेन, सो 5 वुमेन विल बी रिमेनिंग हियर इन लेफ्ट हैंड साइड, 5 रोबोट 30 रोबोट, सो 25 रोबोट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 5। सो यहाँ से एक मुझे इक्वेशन मिल गया कि रोबोट का, सॉरी ह्यूमन का जो इफिशियंसी है वो 5 टाइम्स है रोबोट का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कोई भी वैल्यू लेट कर लेंगे, सो लेट रोबोट का इफिशियंसी 1 है, सो व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ ह्यूमन, 5। एंड व्हाट विल बी द टोटल वर्क, पुट द इफिशियंसी ऑफ रोबोट एंड ह्यूमन इन एनी either of the equation, either this one or either this one, किसी में put करते हैं, इसमें put कर लेते हैं, 5 into h, what will be 25 plus 15 into r, so 15 into 60, so 40 into 60, ये मेरा total work आ गया। okay, अब व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग इज दैट लाइक हाउ मेनी डेज 15 वुमेन वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी रोबोट टेक टू फिनिश वर्क। सो दिस इज द टोटल वर्क, 15 वुमेन एंड वुमेन, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, 5, सो 5। सो यहां से मुझे डेज निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड, 5 4 जा 5 8 जा, सो 8 4 जा 32, 32 डेज, सो डी ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने डायरेक्ट लिखा मेरा कितना प्रोसेस बच गया। ये क्वेश्चन को अगर आप पेन से करो, मतलब प्रैक्टिस है, इनफ प्रैक्टिस है, सो इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर इसमें आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो, जैसे 30 है 60 है तो आप टोटल वर्क लेट्स 60 ले लिए, फिर यहाँ से इसका एफिशिएंसी पे कुछ आएगा, लेकिन वही है ना कि अगर ऐसा लिया तो पता चले कुछ फ्रैक्शन वगैरह कुछ में आएगा, इसलिए मुझे ना इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशन अप्रोच बहुत ईजी लगता है, क्योंकि ये एक रिलेशन मिल गया ना, सो वहां से हम लोग वैल्यू को फ्रैक्शन से हटा सकते हैं कि ऐसा जो रिलेशन आया उसमें वैसा ही वैल्यू रखे कि वो कैंसिल आउट हो। सो इसीलिए ये इक्वेशन अप्रोच बहुत इजी लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आई होप कि आपको समझ में आ रही है जो चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं पर्सनली ट्राई करूंगा कि आपका जो डाउट है वो रिजॉल्व हो। सो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन दे वर्क अलोन वी नीड 25% मोर टाइम टू फिनिश अ जॉब देन ए डज। दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज इन द फॉलोइंग मैनर। मीन्स 13 डेज में दोनों फिनिश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। ए वर्क अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन, देन ए बी वर्क टूगेदर फॉर 4 डेज, एंड फाइनली बी वर्क अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। इट मीन्स डैट ये 5% बी अलोन कर रहा है और हाफ यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। मतलब ए और बी 45% वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में। इतना तो आई होप आपको क्लियर होगा। हाफ मतलब 50%, 5%, 55, 50% और 5%, 55%। तो ये जो बचा वर्क है ये भी 4 दिन में जो कर रहे हैं वो 45% वर्क कर रहे हैं ना। सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द इंटायर जॉब। सो यहाँ पे मुझे टाइम एंड टोटल वर्क फाइंड आउट करना है और बी का एफिशिएंसी, तभी जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो मोटो मेरा डिफाइन हो गया कि मुझे टोटल वर्क लेना है और बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट बी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश द फिनिश देन ए डज। 25% इज हाउ मच इन फ्रैक्शन में? 25% इक्वल टू 1/4। सो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ए को जो टाइम है वो 4 आवर मिनट जो भी है, यू कैन टेक जो टाइम है वो 4 आवर या कुछ भी, मतलब मिनट सेकेंड कुछ भी 4 लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि बी नीड्स 25% मोर। 25% मोर मीन्स 4 में 25% मोर 4, इसका मतलब ही यही होता है कि 4 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है 25% में। सो 25% विल बी मतलब 4 में अगर 25% इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा वैल्यू। इसका मीनिंग ही ये होता है, मतलब 1/4, जैसे 25% अगर हमको इंक्रीमेंट करना है मतलब 4 में 1 इंक्रीमेंट होगा तो ये जाके 5 आएगा। 25% में ये 1 इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ए का टाइम 4 ले लिया, बी कितना होगा, बी का टाइम 25% मोर मीन्स 5 आवर मिनट, आपको जो कहना है यू कैन अज्यूम। अब देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था टाइम एंड वर्क, जो मेरा जो पार्ट वन वीडियो है वहां पे, कि जो इफिशियंसी होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। इफिशियंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है। अब देखो इसका एकदम प्यारा यूज यहाँ पे है, अगर इसका यूज हुआ क्वेश्चन बिकम केक वॉक। अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स यहाँ पे 2 पर्सन है, सो ए का जो टाइम है डिवाइडेड बाय बी का टाइम इक्वल टू बी का एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय ई का एफिशिएंसी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है ना कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स ए वन बाई ए टू। अब यहाँ पे कुछ और हुआ तो मतलब समझ लो कि इसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो मतलब जैसे ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी इक्वल टू बी का टाइम डिवाइडेड बाय ए का टाइम, इसका मतलब यही होता है। सो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। सो ए का टाइम डिवाइडेड बाय बी का टाइम इक्वल टू बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी। मुझे यहाँ ए का टाइम पता है, बी का टाइम पता है, सो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी? ए का टाइम 4/5 होगा। ये मीन्स ऐसे कर लेता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। सो 4/5 इक्वल टू बी का एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी। तो यहाँ से मुझे ए का एफिशिएंसी पता चल गया 5, बी का एफिशिएंसी 4। सो
मतलब ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4। अब देखो यहाँ पे इतना सारा हो गया, एफिशिएंसी तो मुझे पता चल गया, अब मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरा मोटो ये था कि बी का एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना था। सो हमने बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड टोटल वर्क। सो टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए, इसीलिए तो ये दिया है ना, ये जो इतना लैंग्वेज दिया, ये टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए ही दिया है। सो हम लोग टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं, बस एक सेकेंड गाइज। सो अभी देखो मैं एक लाइन इस पे आपको समझाने की ट्राई करूंगा, ये समझ लो ये टोटल वर्क है इतना। अब तो क्या बोल रहा है कि सॉरी, ए अलोन वर्क हाफ द जॉब, मीन्स हाफ, यहाँ तक ये 50% हो गया। ए ने इतना अकेला काम किया। ए प्लस बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 डेज ए और बी वर्क कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली बी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ जॉब। मतलब ये 5% जो जॉब है वो बी कर रहा है, इट मींस ये 45% जॉब जो है वो ए और बी टुगेदर मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यही है ना स्टेटमेंट, ए और बी टुगेदर वर्क 4 डेज, 4 डेज में ये लोग 45% वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका इंटरप्रिटेशन तो यही है। सो अब देखो यहाँ पे 45% वर्क विल बी हाउ मच, सो ए प्लस बी 5 प्लस 4 9 इंटू 4, सो 36, 45% 36। तो यहाँ पे हम 100% वर्क निकाल लेते हैं, जो टोटल वर्क होगा 100% कितना होगा, सिंपल स्केलिंग कर लेते हैं। सो 36 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 5 20 जा 100, 5 20 जा 100, सो 20 into 40 इक्वल टू 80, सो टोटल वर्क 80 आ गया। अब टोटल वर्क भी यहाँ पे मुझे मिल गया और बी का एफिशिएंसी ऑलरेडी पता है मुझे 4। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। सो बी का टाइम 80 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 20, ऑप्शन ए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना, जो मैंने वीडियो, पहला वीडियो टाइम एंड वर्क पार्ट 1 है, वहां से देख लेना, आपको बेटर क्लैरिटी होगा। नहीं तो यहाँ पे भी मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको होपफुली समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप वीडियो 1 रेफर कीजिए टाइम एंड वर्क का। सो दैट्स इट फॉर गाइज, आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और कुछ हेल्प किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।